के दूसरे सोमवार को सुबह तड़के एक महिला कावड़ लेकर ताजमहल के एंट्री गेट पर जा पहुंची। ताजमहल की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। हिंदू महिला कंधे पर कावड़ लेकर ताजमहल एंट्री गेट पर पहुंची, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे गेट पर ही रोक दिया। महिला बार बार ताजमहल के भीतर कावड़ और गंगा जल चढ़ाने की जिद करने लगी। महिला का कहना है कि भोले बाबा पिछले दिनों उनके सपने में आए थे और उन्होंने ताजमहल के भीतर कावड़ व गंगा जल चढ़ाने के लिए कहा है। महिला सोरों से कावड़ लेकर आई है और ताजमहल पर गंगा जल और कावड़ चढ़ाना चाहती है। ताजमहल की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर महिला को एंट्री गेट पर ही रोक दिया। महिला 2 घंटे तक एंट्री गेट पर कावड़ लेकर खड़ी रही। इस दौरान तमाम हिंदूवादी मौके पर पहुंच गए। देखिए पूरी रिपोर्ट। मेरा नाम मीरा राठौर है, आगरे से जिला अध्यक्ष हिंदू महासभा की। मैं तेजे हिमालय पे जे कांवर चढ़ाने के लिए आए हैं। मेरे भोले बाबा ने बुलाया तो मैं कांवर लेके आई हूँ। मेरे भोले बाबा ने बुलाया तो मैं आई, मेरे को सपने में बुलाया तो मैं परसों गई हूँ और आज आई हूँ। जब मेरे भोले बाबा ने मुझे सपने में बुलाया तो मैं कांवर लेके आई हूँ और मुझे कांवर चढ़ानी है। मुझे रोक दिया है जी इन पे और राजी राजी गैर राजी मुझे चढ़ानी कांवर। ये कह रहे हैं कि जी इनसे सुप्रीम कोर्ट से आदेश लो तब कांवर चढ़ेगी, ऐसे नहीं चढ़ेगी। मुझे भोले बाबा ने बुलाया है, उनने मेरे को जगाया तो मैं आई हूँ पूजा करने के लिए।